हेलो एवरीवन, शिव शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी के ऊपर वीडियो है और इस टाइम में कलेक्टिव में जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, या मैं बताऊं आपको, उस टाइम जो डीएफ फेस करती है एक कार्मिक पर्सन के साथ, वो आपके बॉयफ्रेंड हो या आपके कार्मिक पार्टनर, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपका पास्ट जिसके साथ भी रहा हो लव रिलेशनशिप में, ठीक है, जहां आपको बहुत ज़्यादा चीट किया गया था, आपको ब्रेक किया गया था, आपको हर्ट किया गया था, उस टाइम आप बहुत अकेला फील कर रहे थे। चाहे डीएम आपके साथ हो या ना हो, ऐसा भी होता है ना कि डीएम एंट्री भी कर जाते हैं और कहीं ना कहीं कार्मिक से भी आप कनेक्ट रहते हो, बट आपको क्लियर समझ में आने लगता है अंतर कि ये पर्सन आपका एक सोल कनेक्शन है और ये एक पर्सन कार्मिक है, या इस पर्सन से मेरी एनर्जी जो है मैच नहीं हो रही है और इस पर्सन से मेरी एनर्जी मैच हो रही है। ये कुछ केसेस में होता है कि कार्मिक आपके लाइफ से जा रहे होते हैं, 10-20% उनकी प्रेजेंस होती है आपकी लाइफ में, ठीक है, बट धीरे धीरे डीएम आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे होते हैं, तब आपको अपने ही पर्सन से हीलिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। ये मैं डीएफ की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो डीएफ को समझ में आने लगता है, बट जो आप फेस करते हो ना कार्मिक पर्सन के साथ बहुत टूटे हुए, तो इस टाइम उसी पीरियड से, उसी प्रोसेस से आपके डीएम गुजर रहे हैं, ठीक है। ये वो डीएम हो सकते हैं जो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में गए थे, या किसी से उनकी इंगेजमेंट हुई थी तो वो ब्रेक हो रही है, या उनका किसी के कार्मिक जो था पर्सन, ठीक, उसने कहीं ना कहीं उनको बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया है या चीट किया है, ठीक है। तो ये एनर्जी कलेक्टिव में डीएम की तो है ही, प्लस कुछ डीएम ऐसे हैं जो कार्मिक रिलेशनशिप में जा रहे थे या गलत पर्सन के साथ थे, तो उनकी फैमिली में ही किसी ने उनको बहुत ज़्यादा रोका है, प्रोटेक्ट किया है। उनकी सिस्टर हो सकती हैं या उनकी मदर हो सकती हैं कि इस रिलेशनशिप में जाना सही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से डीएम अपनी फैमिली से ही कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी को शो कर रहे हैं, अपनी ही फैमिली से नाराज हैं, बट उनको नहीं पता है कि ये उनके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कुछ फैमिली में पर्सन भी ऐसे होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, जिनकी डिवाइन एनर्जी होती है, आपको पता चल जाता है। डीएफ भी ऐसा फील कर सकते हैं कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो जिससे आपको हीलिंग मिलती है, या डीएम की फैमिली में भी कोई ऐसा हो सकता है, उनकी सिस्टर, उनके ब्रदर या फादर, जिससे उनको हीलिंग मिलती है या उनको प्रोटेक्ट करते हैं। स्पेशली जो मुझे एनर्जी आ रही है वो फेमिनाइन की आ रही है, फेमिनाइन मतलब उनकी मदर या सिस्टर, कि उनको रोका जा रहा है कि आप गलत रिलेशनशिप में मत जाओ, ठीक है। और उधर जो कार्मिक है, कार्मिक का रोल होता है अपना किसी तरीके से कर्मा बैलेंस करना, देन उनकी लाइफ से चले जाना। तो साफ क्लियर दिख रहा है कि ये गलत कर रहा है पर्सन, तब भी उसी के साथ रहना है, उसी के साथ जाना है, अपनी फैमिली को भी इग्नोर करना, अपनी फैमिली की बुराई करना, या उससे मतलब उस पर्सन को पा लेना होता है, ठीक है। डीएफ आप भी जानते होंगे, जब आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जाते हो आपको भी अपने पर्सन के अलावा कुछ नहीं दिखता है कि मुझे मेरा पर्सन ही चाहिए, ठीक है, आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, बट धीरे धीरे जब आपसे वो, जब कार्मिक धीरे धीरे होता है ना, तो वो एनर्जी भी आपसे दूर होने लगती है। उस टाइम में फियर होता है खोने का, बहुत से डीएम सुसाइड का सोचते हैं, गलत स्टेप उठाते हैं, ठीक है। डीएफ भी ऐसा करने का सोचती हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपके डीएम हैं और आप लोग इस टाइम प्रेयर करें, प्रोटेक्शन दें अपने डीएम को। और अगर डीएफ आपकी वजह से कुछ डीएम नाराज़ हैं, या आप उनको लगता है कि आपने उनकी लाइफ में एंट्री करके गलत किया है, या आप थर्ड पार्टी खुद बन गए हो, उनकी नज़र में आप थर्ड पार्टी हो, ठीक है, तो आपको पीछे स्टेप लेने हैं, किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, किसी तरीके की कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी है अपने पर्सन से। और जो सेपरेशन में है डीएफ, नो कांटेक्ट में है, तो उनको तो सिर्फ और सिर्फ खुद को सरेंडर करना है और डीएम के लिए प्रोटेक्शन मांगनी है, जो बात कर रही हैं वो भी और जो नहीं कर रही हैं वो भी, ठीक है। तो डीएम इस टाइम बहुत ही पेनफुल वाले प्रोसेस से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी एडिक्शन में भी जा सकते हैं, किसी एडिक्शन का सहारा ले रहे हैं कि वो उनको भूल पाएँ।
तो देखिए, जब आप कार्मिक रिलेशनशिप से निकल आते हो, आपको सोल शोक मिलते हैं, आप भी बैलेंस हो जाते हो, तो धीरे धीरे आपके पर्सन भी हील होंगे, बैलेंस होंगे, उनकी भी आंखें खुलेंगी कि वो अभी तक किसी गलत रिलेशनशिप में थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हों या फैमिली वाले उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हों। ठीक है, कुछ फैमिली वाले होते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप भेजने के लिए ही सपोर्ट करते हैं, और कुछ फैमिली वाले ऐसे होते हैं कि आपको कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकालने में पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी में कुछ डीएम हैं जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चैलेंज जो डीएम डिवाइन दे रहे हैं उनको, उस चैलेंज को फेस करने में उनको डर लग रहा है। ठीक है, कुछ डीएम मनी को लेकर भी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, उनको कुछ लॉसेस हो रहे हैं मनी को लेकर, मनी को लेकर कुछ उनके क्राइसिस हैं लाइफ में। ठीक है, मनी का बहुत बड़ा लॉस कहीं ना कहीं डीएम का मुझे दिख रहा है कि मनी को लेकर बहुत ज़्यादा लॉस है, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर डिस्टर्ब है। उन्होंने जो अपना सच छुपा रखा था अपनी फैमिली में, वो कहीं ना कहीं रिवील हो रहा है। ठीक है, बहुत से डीएम को अपना सच बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है, अपना सच नहीं बोल पा रहे हैं कि क्या होगा अगर मैं सच बोलूँगा, कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या मेरी हेल्प करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि मिस्टेक तो मैंने बहुत बड़ी की है। ठीक है, कुछ डीएम से मिस्टेक्स हुई हैं अपनी ही पर्सनल लाइफ में। ठीक है, आप जितना उन चीज़ों को दबाएंगे, जितना आप स्टेप पीछे लेंगे, उतना ही डिवाइन आपको आगे के लिए एक पुश देंगे, और वो पुश बहुत पेनफुल वाला होता है। जब तक आपकी सोल को कहीं शॉक नहीं दिया जाता है, तब तक आपकी सोल की जागृति नहीं होती है। वो 3D वर्ल्ड में हमें लगता है बहुत बड़ा पेन है, बहुत बड़ा फियर है, हम कैसे इसको फेस करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि गिव अप ही कर दो इस चीज़ पे, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप जहाँ से गिव अप करते हो, वहीं से मिरेकल होना स्टार्ट होते हैं। 3D में हमें हर एक चीज़ बड़ी लगती है, बट ईश्वर क्या कि हर एक चीज़ छोटी होती है। ठीक है, बस उसके लिए हमको क्या चाहिए, फेथ, विश्वास। तो इस टाइम जो ओवरऑल देखा जाए, डीएम को ये लग रहा है कि जो डीएफ कनेक्ट हैं अपने डीएम से, उनको ये लग रहा है कि सब ये इस लड़की की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से मेरी लाइफ स्पॉइल हो रही है, मेरी लाइफ ख़राब हो रही है, इसके एंट्री होने से मेरा सब कुछ बिखर गया। बट यकीन मानिए, यही चीज़ उनको आगे जाके रियलाइज़ होगी कि आप उनके लिए एक एंजल थी, एक प्रोटेक्टर हैं, एक सपोर्टर हैं, एक रियल पार्टनर हैं आप उनके लिए। ठीक है, तो आपको इस टाइम अपने डीएम को उनके हाल पे छोड़ना है, और ईश्वर से प्रार्थना करनी है, खुद के लिए भी प्रोटेक्शन मांगे, अपने डीएम के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। और देखिए, कार्मिक का काम तो है रोना धोना, मैनिपुलेट करना। ज़रा देर में आपसे खुश हो जाएंगे, ज़रा देर में आपसे नाराज़ हो जाएंगे, ज़रा देर में आपके ऊपर ही सब चीज़ें रख देंगे, ब्लेम करेंगे कि आपकी वजह से ख़राब हुआ है। बट जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है ना, तब आप समझ जाते हो ये पर्सन बहुत गलत है, ये आपके साथ गलत कर रहा है, तब आप अपने लिए एक्शन लेते हो। आप इवन अपने उस रिलेशनशिप से भी बिल्कुल ही निकलने की सोचने लगते हो, या उस रिलेशनशिप से निकल जाते हो जो अभी तक आप रो रहे थे सामने वाले के लिए कि गिड़गिड़ा रहे, वो आपको आगे जाके रियलाइज़ होती है कि मैं किसी गलत पर्सन की डिमांड कर रहा था, किसी गलत पर्सन को पाने के लिए रो रहा था। ठीक है, एक फेक प्यूपिल, एक फेक पर्सन जो अनवर्दी है, जो हमको हाई में नहीं ले जा रहा है, लो में ले जा रहा है, जो हमारी प्रोग्रेस नहीं करा रहा है, हमारी ग्रोथ नहीं करा रहा है, हमारी बल्कि ग्रोथ में कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा है, हमें ग्रोथ को रोक रहा है। ये चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती हैं। ठीक है, तो डीएम भी एक सोल शॉक से गुजर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ डिस्टर्ब है कार्मिक की वजह से। तो ये कलेक्टिव में कुछ डीएम की एनर्जी चल रही है इस टाइम में, और आप डीएफ बिल्कुल अपना इनर वर्क करें, और बिल्कुल भी डीएम को लेकर परेशान ना हो, उनकी लाइफ को लेकर आप अपने ऊपर बोझ ना लें, बर्डन ना लें। ठीक है, कि मैं ही सब करूंगी तभी होगा, सब ईश्वर के हाथ में है। आप बस अपने आप पर, अपने आप को लाइट फील कराएं, अपने आप को हैप्पी फील कराएं। ठीक है, तो ये थी आज की करंट एनर्जी।
नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना